हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। आप सभी को हमारे दया साई इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेलिंग टाइप के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि आप जान लीजिए कि मेलिंग होता है क्या। मेलिंग का मतलब है मेल तैयार करना। आप एक डॉक्यूमेंट बना के उसके हजारों कॉपी आप तैयार कर सकते हैं और जिन व्यक्ति को पास भेजना है उसको आप भेज भी सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको एक जगह इकट्ठे मिलेंगे, वहीं से आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करना है। तो आपको मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पूरे डॉक्यूमेंट तैयार होने में आपको 6 स्टेप लगेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें 3 प्रकार का ऑप्शन है। फर्स्ट है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, आप इस डॉक्यूमेंट को लेना चाहते हैं। स्टार्ट फॉर्म अ टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट बना बनाया लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके थर्ड है स्टार्ट फॉर एजेक्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर बाहर से कोई डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं बना के रखे हुए हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको चूज करके ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले ले लेते हैं और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद है सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट। अगर कोई लिस्ट जिन जिन व्यक्ति को आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना चाहते हैं उस लिस्ट व्यक्ति का लिस्ट आप तैयार करके रखे हुए हैं तो आप बाहर से जो भी पहले से तैयार करके रखे हैं उसको आप ले सकते हैं। सेकेंड है सेलेक्ट फॉर्म आउटलुक कॉन्टेंट। आउटलुक एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर कोई भी कंटेंट आप तैयार करके रखे हुए हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। थर्ड है टाइप ए न्यू लिस्ट, अगर आप एक नया लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फील्ड नेम हैं। अगर इस फील्ड नेम को आप रखना चाहते हैं तो रखकर डिलीट करना चाहते हैं इस कस्टमाइज पे तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो जो रखना रखेंगे, जिसको नहीं रखना है नेम फील्ड को वहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो जो आपको ज़रूरत है वही रखेंगे, जिसको ज़रूरत नहीं वहाँ से आप डिलीट करके इसको आप हटा लेंगे। इसके बाद इतना हो जाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, इतने फील्ड नहीं आएगा। यहाँ से आपको जो भी फील करना आप फील कर लेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक, डॉक्यूमेंट आपको सेव करने के लिए कहेगा, अब इसको आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों, पहले से कुछ बना के रखे हुए हम उसी को ले लेते हैं। यहाँ यूज एन एडिटिंग लिस्ट पहले से हम बना कर रखे हुए हैं, ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे, स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक लेटर टाइप कर देते हैं। पेज पे आप लेटर पहले से भी टाइप करके रख सकते हैं या तो आप अभी भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको राइट योर लेटर, हमने लेटर एक टाइप कर दिए हैं, लिख दिए हैं। यहाँ से आपको फोन नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना, मोर आइटम पे, और जो जो आपने नेम फील्ड में भरे हैं वो नेम फील्ड को आपको पेज पर इंसर्ट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट कर देते हैं, पहले स्पेस हम बना लेते हैं कुछ, हम स्पेस बना लें और यहाँ पे सिलेक्ट कर यहाँ पे क्लिक करेंगे। सारे नेम फील्ड को हमने इंसर्ट पेज पे कर लिए और इसको अरेंज हम कर देते हैं। चाहें तो इसके पहले आप नाम, सिटी नेम और स्टेट का नाम लिख सकते हैं, उसी प्रकार से आपका पेज पर इंसर्ट होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से एक एक कर आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या टाइप किए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है अगर उसको आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, किस किस नाम से किए हैं, तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डायलॉग बॉक्स में आप ऑल पे करके क्लिक करना है। ऑल का मतलब आप जितने नाम डॉक्यूमेंट में तैयार किए हैं उतना सभी आपको पेज पे आ जाएगा। और करेंट रिकॉर्ड मतलब आप सिर्फ आप जो आपको सामने दिखाई दे रहा वो एक दिखेगा। और फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर आपने 100 व्यक्ति के भरे हैं
नेम लिस्ट तैयार किए हैं, और उसमें से 1 से 50 तक देखना है, तो आप 1 से 50 यहाँ भर सकते हैं। उतने व्यक्ति का ही दिखाएगा, डॉक्यूमेंट तैयार दिखाएगा। इसके बाद हमने ऑल पे करके यहाँ ओके करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट जो जो व्यक्ति के आपने बनाए हैं नाम से, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका मेल पूरे तैयार हो गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें किसी तरह की आपको समझ में नहीं आता, वीडियो 1 से 2 बार देखिए।